हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के संकट काल में राजनीति भी गर्म है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा है। पीयूष गोयल पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि श्रमिक एक्सप्रेस में अभी तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। गहलोत ने पीएम मोदी को सलाह दी है कि पीयूष गोयल को बिना किसी विभाग के मंत्री बना दें, क्योंकि रेलवे में ऐसी कुव्यवस्था कभी नहीं देखी गई। और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ट्रेन एक दिन की जगह 9 दिन ले रही है, 80 लोगों की अब तक जान चली गई है। ऐसे में पीयूष गोयल को बिना किसी पोर्टफोलियो का मंत्री बनाकर रखे सरकार, ताकि वो बीजेपी के लिए फंड रेजिंग कर सके। ये बड़ा हमला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किया गया है रेल मंत्री पीयूष गोयल पर। देखिए, कम से कम 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें लेट हुई हैं। एक ट्रेन तो 9 दिन बाद पहुंची और अभी तक श्रमिक ट्रेनों में 80 लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री को मेरा सुझाव है कि पीयूष गोयल को बिना विभाग के मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि रेल व्यवस्था में ऐसी गड़बड़ी अभूतपूर्व है। ये बड़ा हमला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है रेल मंत्री पीयूष गोयल के ऊपर। साथ ही आपको बता दें, और देखिए, लगातार रेल मंत्रालय को निशाने पर लिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और इस पर पूरी जानकारी देने के लिए अब रविकांत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रविकांत, क्या है पूरी जानकारी? अचानक इतना तीखा हमला अशोक गहलोत की तरफ से, कैसे देखे इसको? देखिए, एक रेलवे का इंटरनल पेपर सामने आया जिसमें 80 लोगों की लिस्ट है, और उस लिस्ट के आधार पर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के पास भी वो लिस्ट मौजूद है, और एबीपी न्यूज ने जैसे ही उस लिस्ट के बारे में तहकीकात की और आरपीएस के डीजी अरुण कुमार से बात की, तो इस सवाल पर कि वो लिस्ट जारी हुई है, आपको जारी किया है, ये आंकड़े सही है या नहीं सही है, इस पर अरुण कुमार रेलवे के आरपीएस के डीजी, उन्होंने साफ कहा कि हमने कोई ऐसा आंकड़ा जारी नहीं किया है और ये जो लिस्ट है ये फेक है और इस पर भरोसा न किया जाए। एक इंटरनल जांच चल रही है और हम अपनी लिस्ट बना रहे हैं, जब वो आएगी तो हम पेश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो खबर चल रही है वो ठीक नहीं है। जी, मुझे एक बात बताइए रविकांत, मैं इस जो ट्वीट किया है, जो आरोप लगाए हैं अशोक गहलोत ने, मैं उसकी टाइमिंग पर मेरा ये सवाल है, क्योंकि आज जो मोदी सरकार 2.0 है, उसके पहला साल जो साल पूरा हुआ है, उस पर आज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सरकार की तरफ से उपलब्धियां गिनाई जा रही है, और ऐसे में निशाना साधा जा रहा है अशोक गहलोत की तरफ से, तो क्या टाइमिंग के हिसाब से इस ट्वीट को किया गया है, ये सवाल खड़े किए गए? राजनीति की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, राजनीति की अगर देखें तो राजनीति लगातार हो रही है, और पिछले 1.5 हफ्ते से ये राजनीति पीयूष गोयल की ओर से भी हो रही है और महाराष्ट्र सरकार की ओर से हो रही है और पूरे विपक्ष की ओर से हो रही है। महाराष्ट्र सरकार को लेकर के पहले पीयूष गोयल के बीच में तनातनी चल रही, लेकिन ये मौका विपक्ष को क्यों मिला? मौका इसलिए मिला क्योंकि लगातार ट्रेनों में हादसे हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, जो श्रमिक हैं वो खाने खराब होने की शिकायत, जाहिर सी बात है, जिस तरह की स्थिति ट्रेनों में दिखाई दे रही है रविकांत, उसके बाद ही विपक्ष को ये मौका मिला है कि वो सवाल खड़े कर सके। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए रविकांत, हमारे साथ जुड़े हुए थे। अशोक गहलोत ने बड़ा हमला किया है रेल मंत्री पीयूष गोयल के ऊपर।